नमस्ते पालक हो, लहानपण माझे या YouTube चॅनलची शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मुलांच्या कला गुणांना वाव देण्यासाठी भव्य ऑनलाइन स्पर्धा सादरीकरण कोणत्याही भाषेत चालेल। प्रत्येक स्पर्धकाला कलरफुल ऑनलाइन सर्टिफिकेट शिवाय भरपूर बक्षिसे। सहभागासाठी दिलेल्या नंबरवर मेसेज पाठवा। नमस्कार, मेरा नाम ओवी अक्षय धर्माधिकारी, मैं तिसली में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला का नाम है शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं आपको कृष्ण भगवान जी की दूसरी बाल लीला सुनाने वाली हूँ। चलो तो फिर सुनते हैं। एक दिन गोकुल में अपने नन्हे से कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और उनकी माँ ताक बना रही थी। और फिर अचानक से कृष्ण भगवान को भूख लगती और वो मैया से कहते, मैया मैया दूध दो ना मैया। फिर मैया बोलती है, अरे लुको तो बेटा, तुम पहले बांसुरी बजाओ, बहुत मधुर है तुम्हारी बांसुरी। फिर से कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मैया दूध दो। तभी मैया यशोदा को जली हुई खुशबू होती है और उन्हें याद आता है कि कुछ देर पहले जो उन्होंने सब्जी पकाने के लिए रखी थी वो अब जल रही है। ये देखकर ही वो कृष्ण जी को नीचे लगकर जाती है। फिर कृष्ण जी इधर उधर देखने लगते और फिर उन्हें एक माखन का मटका दिखता है। वो मटके को फोड़ कर सारा माखन खाते हैं। जब मैया यशोदा की घुंगलू की आवाज आती है तब कृष्ण भगवान जी जाकर छुप जाते हैं एक मटके में। और जब मैया यशोदा माखन को देखती है तब वो समझ जाती है और कहती है कि नन्हे कृष्णा मत डोलो, मैं कुछ नहीं करूंगी, आ जाओ। फिर धीले धीले वो आ जाते और बोलते हैं, कृष्ण झूठा है मैया, कृष्ण झूठा। फिर ये सुनकर कहती है, लुको मैं एक किला जानती हूँ तुम्हें सावधान रखने के लिए, और फिर से ऐसा मत कहना। ऐसा कहकर वो उन्हें उकल से बांधने के लिए लगती है। फिर उन्हें एक लस्सी कम पड़ जाती है। फिर वो दूसरी बार कलेक्ट उनके माप की ही लस्सी लेती है, वो भी कम कर पड़ती है। ऐसे 10 बार होता है और जब 11वें बार कृष्ण जी खुद ही लस्सी लेते हैं और मैया यशोदा को कहते हैं, ठीक है बांध दो। फिर मैया यशोदा बांध कर चली जाती है और जब वो चली जाती है तब कृष्ण भगवान कहते हैं, मत जाओ मैया। फिर तभी उन्हें आसपास देखते हो, तभी उन्हें 2 पेड़ दिखते हैं और वो सोचते हैं कि उन पेड़ में मैं अटक कर उकल से छूट जाऊंगा। ऐसे सोचकर वो जाते हैं और फिर वो पेड़ के वो धीले 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 चढ़ते और पेड़ में अटक जाते हैं और फिर बहुत बहुत जोर लगाते हैं तो भी पेड़ उखल जाते हैं और उनमें से 2 देव पुरुष निकल आते हैं और कहते हैं, आपका धन्य हो क्योंकि हमारी सुंदरता पर बहुत गर्व था हमें, इसलिए नारद मुनि ने हमें श्राप दिया था। फिर हमने उनको बहुत विनती की, क्षमा मांगी। तभी उन्होंने कहा कि साक्षात जगतपति नारायण जब आपको दर्शन देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, आप धन्य है प्रभु। ऐसा कहकर वो उड़ जाते हैं। ये थी दूसरी बाल लीला। धन्यवाद। मोफत स्पर्धेचा लाभ घ्या, मुलांचे व्यक्तिमत्व अष्टपैलू घडवा, सोबतीला बक्षिसे मिळवा। हा उपक्रम आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब करा।